देखिए दोस्तों, इसमें बात करेंगे हम। जैसे एक टैंक होता है ना, यूजी टैंक हो या सम्प हो, उसमें अपना वाटर की जो है क्वांटिटी आप कैलकुलेट कैसे करोगे लीटर में। ओके, देखिए ये आपका टैंक हमने बनाया है एक, जैसे कि 5 फिट बाई 6 फिट बाई 7 फिट, 5 फिट इसकी लेंथ हो गई, 6 फिट वेट, तो और ये 7 फिट हाइट, डेप्थ जो है 7 फिट हो गई। ठीक है, सबसे पहले इसकी जब क्वांटिटी निकालेंगे तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम आप समझते हो इसका लेंथ, वेथ और ये हाइट। ठीक है, जो भी इसकी डेप्थ है, गहराई है। ओके, इसको जब करेंगे तो 5 फिट इंटू 6 फिट इंटू 7 फिट इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 30 = 21, 210 CFT आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिट में है। ओके, ये देखो, कुछ लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये सिंबल भी नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए, ये सिंबल जो है फिट का हो गया, ठीक है, और ये सिंबल जो है इंच का हो गया। ओके, अच्छा, अब ये 210 जो है CFT आ गया। अब देखिए, एक CFT में, मतलब क्यूबिक फुट में, जो डिब्बा जैसे 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1 फिट गहरा अगर कोई बॉक्स बनाओगे तो उसमें जो लीटर पानी आएगा वो पानी आ जाएगा आपका 28.31 लीटर। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 210 × 28.31, तो ये कितना आ गया, 5945 लीटर। ठीक है जी, अच्छा, अब ये आ गया फुट में, कुछ डायमेंशंस होती हैं आपके पास मीटर में। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर, देखो उसका मीटर की रीडिंग का भी आप वॉल्यूम निकाल लोगे। ठीक है, तो जब मीटर मीटर में ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर जो है पानी आता है दोस्तों। अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर गहरा कोई बॉक्स बनाओगे या कोई टैंक बनाओगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। इस तरह से दोनों की आप क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। थैंक यू।